जय माता दी। एक में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में आप लोगों को एडीफाई के XM6BT जो कि एक 2.1 होम थिएटर है और ये आपको अमेजोन पे करीब 4 या 700 के आसपास मिल जाएगा। तो अगर आप ये प्रोडक्ट खरीदना चाहते हो तो आप इस वीडियो को देख लीजिए। मैं आपको सारी चीजें बता दूंगा कि ये प्रोडक्ट कैसा है और आपको खरीदना चाहिए कि नहीं खरीदना चाहिए और नहीं खरीदना चाहिए क्यों नहीं खरीदना चाहिए, ये भी आप जान पाओगे इस वीडियो को देखने के बाद। तो बात करके मुझे पैकेट में क्या सारी चीजें मिली थी, तो पैकेट में मुझे एक सबवूफर मिला था, साथ में दो स्पीकर्स मिले थे, एक 3.5 mm वाला वायर मिला था, ऑक्सिलरी केबल जिससे आप अपने पीसी वगैरह को कनेक्ट कर सकते हैं, एलईडी टीवी को कनेक्ट कर सकते हैं। साथ में यहाँ पे एक छोटा सा रिमोट मिला था बोनस सा। तो उसमें क्या है, फंक्शन से पहले म्यूट का बटन है, वॉल्यूम प्लस माइनस है और यहाँ पे डेडिकेटेड बटन देगी इनपुट की, जैसे ऑक्सिलरी है, ब्लूटूथ है, यूएसबी एसडी कार्ड का स्लॉट है, नेक्स्ट प्रीवियस प्ले पॉज है और घड़ी वाली बैटरी लगती है। यहाँ पे आपको एफएम नहीं मिलती है, तो ये थोड़ी सी दिक्कत वाली बात है। और एक चीज है, जो आयर सेंसर दिया गया है आपको यहाँ पे दिया है वो साइड में दिया गया है, जिससे आप अगर यूज करना चाहते हो, सपोज यहां से अगर यूज करना चाहते हो सिस्टम को, तो आपको साइड की तरफ इसको फोकस करके करना पड़ेगा तो ये काम करेगा। अगर सिस्टम आपका इस तरह करके है, सामने में रखे हो इस तरह से, और यहां से अगर यूज करिएगा रिमोट को, तो वो काम नहीं करेगा। तो ये थोड़ी सी दिक्कत वाली बात है। यहाँ पे बात करें अपने सबवूफर की, तो सबवूफर सामने की तरफ लगाया गया है जो कि 6.5 इंच का है, जिसकी जो आउटपुट है वो आपको 24 वाट RMS की है। तो इस तरह का कुछ आपको मिल जाता है ऊपर, और साइड में आपको देखे तो यहाँ पे बेस कंट्रोल नॉब मिल जाता है, जिससे आप यहाँ पे बेस को कम ज्यादा कर सकते हैं। साथ में आपको इनपुट का बटन दिया गया है, प्रीवियस है, प्ले पॉज है, नेक्स्ट है, वॉल्यूम प्लस माइनस है, तो ये सारी चीजें आपको मिल जाती है। साथ में आपको यहाँ पे पावर का स्विच मिल जाता है और यहाँ पे आपको लगाने के दिए गए स्पीकर्स लगा सकते हैं यहाँ पे अपने, और यहाँ से आप ऑक्सिलरी इनपुट दे सकते हैं, और ये में भी आयर सेंसर है, और यहाँ पे एसडी कार्ड का स्लॉट, यूएसबी स्लॉट दिया गया है और एडीफायर लिखा गया है। साइड की तरफ देखे तो साइड में आपको मिल जाता है यहाँ पे एयरपोर्ट, जहाँ पे किसी भी तरह प्रोटेक्शन नहीं है और पीछे की तरफ कुछ भी नहीं है। और इसकी जो कैबिनेट है वो पूरी वुडन की है, जो कि काफी बढ़िया बात है। और नीचे की तरफ देखे तो नीचे की तरफ देखे फोर पैड्स लगाए गए हैं रबड़ के, तो ये काफी अच्छी बात है। तो ये आपको मिल जाती है ऊपर। और बात करके अपने स्पीकर की, तो स्पीकर आप देख सकते हो, स्पीकर कुछ आपको इस तरह का मिलता है। यहाँ पे 3 इंच के स्पीकर लगाए गए, जिसकी वाट है वो 12 वाट RMS की है, और ये वुडन कैबिनेट का है, और पीछे में आपको वॉल माउंट का ऑप्शन मिल जाता है। साथ में ऊपर में आपको लगाया गया 0.4 इंच का ट्विटर भी है इसमें, 0.4 इंच का ट्विटर लगाया गया, कितना वाट पता नहीं मुझे, बट यहाँ पे ट्विटर का इस्तेमाल किया गया। और ये प्रोडक्ट काफी अच्छा है और काफी हेवी भी लग रहे हैं स्पीकर्स इसके। ऊपर थोड़ा सा हल्का है बट ठीक है, बट स्पीकर थोड़े से भारी ज्यादा लग रहा है, तो ये अच्छी बात है। तो जो टोटल आउटपुट सिस्टम की वो है 48 वाट्स RMS की, और यहाँ पर आपको ब्लूटूथ मिल जाती है, FM नहीं मिलती है, बस यही इसमें थोड़ी सी खामी है। अगर आप FM सुनते हो तो FM सुनने का मजा ही कुछ अलग है, तो इसमें आपको FM नहीं मिलती है, तो थोड़ी सी दिक्कत वाली बात आपके लिए। तो चलिए कुछ गाने बजाते हैं और देखते हैं इसकी साउंड कैसी है, और क्या ये प्रोडक्ट हमें लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए, और किसके लिए ये प्रोडक्ट है देखते हैं। तो चलिए कुछ गाने बजाते हैं। तो जैसे कि आप लोग इसकी साउंड सुनिए, मैं आपको बता दूं जो वॉल्यूम थी वो पीसी से थी 80% पे, उस हिसाब से रिकॉर्डिंग हुई है। तो उस समय जो साउंड आ रही थी यार, वो काफी ज्यादा लाउड थी, और जब मैं इसको 100% पे बजाता हूँ तो काफी ज्यादा लाउड होती है ये प्रोडक्ट। मतलब अगर आपका रूम थोड़ा सा बड़ा भी है तो आपको लाउडनेस को लेकर दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि ये काफी ज्यादा लाउड है। स्पीकर्स बोलने को 24 वाट्स के है, बट लाउडनेस काफी मस्त है, आपको लाउडनेस को लेकर किसी भी तरह दिक्कत नहीं होगी। बट हाँ, क्लैरिटी में थोड़ी सी प्रॉब्लम है। जब मैं इसको फुल वॉल्यूम पे बजा रहा था तो मुझे थोड़ी सी दिक्कत आ रही थी, डिस्टॉर्शन टाइप की लग रही थी, तो मैंने क्या किया इसको 80% पे बजाया, और 80% पे जो मुझे क्लैरिटी मिल रही थी वो काफी कमाल की थी। वोकल्स वगैरह भी क्लियर थे, ट्विटर का इफेक्ट भी जो था, हाई नोट्स वो भी काफी बढ़िया आ रहे थे, म्यूजिक अच्छी लग रही थी। और रही बात सबसे मेन जो चीज है वो बेस की, तो बेस काफी कमाल का है,
काफी ज्यादा पंची है और बहुत ज्यादा लगता है। एक्चुअली मैंने इसको अपने बेडरूम में भी लगाया हुआ था, वहां पे मैंने इसका फ्लोर पे रखा हुआ था, ऊपर को स्पीकर को थोड़े से दूर पे रखा था। जो ऊपर इफेक्ट आ रही थी ना, मेरा बेड हिल रहा था, जो हर एक वर्ड में मतलब हर एक जो बीट्स पे जो पंच मिल रहा था मुझे, जो इफेक्ट मिल रहा था वो काफी तगड़ा था यार। मतलब इस वर्ड को यूज कर सकते हैं इस होम थिएटर के लिए, जो बेस था वो काफी तगड़ा है और मजा आ रहा है सुन के इसको। और जो अगर बेस लवर हो और 5 ईयर में आपको प्रोडक्ट चाहिए और 85 पसंद है यार, तो ये प्रोडक्ट काफी मस्त है। बट इसको आप थोड़ा सा लो वॉल्यूम पे चलाइएगा तो साउंड आपको ज्यादा बेहतर अच्छी लगेगी सुन के मजा आएगा। तो 80% पे चलाओ तो ठीक है, 100% पे भी थोड़ी सी ठीक है यार, बट पता नहीं क्यों थोड़ी सी अजीब लग रही थी साउंड इसकी, लग रहा था जैसे फट रहा है, तो इसलिए मैं आपको रिकमेंड नहीं करूंगा इसका 100% पे। बट 80% पे आप चलाइएगा तो आपको किसी भी तरह की दिक्कत नहीं होगी, आपको किसी भी तरह से नहीं लगेगी साउंड खराब है या लाउडनेस कम है। लाउडनेस 80% भी बढ़िया है। और एक बात इसमें बढ़िया है यार कि जब आप साउंड को कम करते हो या 30-40% पे भी रखते हो तो जो बेस आती है उसमें काफी मस्त पंच रहता है, आपको अच्छा लगेगा सुन के। जो लोग लो साउंड में बेस खोजते हो ना, वो ये थिएटर होम थिएटर को चूज कर सकते हैं, आपके लिए काफी मस्त रहेगा। तो लाउडनेस को भी लेके दिक्कत नहीं है, क्लैरिटी 80% पे मस्त है, एफएम नहीं है यहाँ पे। और एक चीज मैंने आपको जो बताई रिमोट को लेके, थोड़ा सा पंगा है यार, रिमोट साइड से काम करता है तो थोड़ी सी दिक्कत वाली बात है। और अगर पीसी वगैरह से बजा रहे तो कोई बात ही नहीं है, और ब्लूटूथ से बजा रहे तो भी कोई बात नहीं है, ब्लूटूथ आप मोबाइल को कनेक्ट कर लीजिए, वहां से साउंड कम ज्यादा कर सकते हैं और नेक्स्ट भी बेस जो भी करना है वो कर सकते हैं। सिर्फ बेस को अगर कम ज्यादा करना तो यहां से आपको कम ज्यादा करना पड़ेगा, तो दिक्कत नहीं है यार। दिक्कत मेन तो थोड़ी सी वो है, तो उसको साइड में अगर रख दे तो प्रोडक्ट काफी मस्त है। 5 हजार के आसपास में ये काफी बढ़िया प्रोडक्ट है, स्पीकर मस्त मिलते हैं, ट्विटर के इफेक्ट काफी अच्छी है और बेस तो धमाकेदार है ही। तो ये थी मेरी रिव्यू 85 के XM6BT की। अगर आपको वार्स इनसाइट चाहिए तो कमेंट करके बताइए और इस वीडियो को जोर से लाइक कर दीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय माता दी।